ऑन ऑसम टीवी। हाय, मेरा नाम है माही भानुशाली, आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। हाय, दिस इज इंदिरा कृष्णा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। हाय, दिस इज तोरल राजपुत्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। दरबार की जय, जय माता दी। 2024 बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है कि मैं हर तरफ एक गुड न्यूज़ सुन रही हूँ और आज मैं माता की चौकी पे भी आ गई हूँ, तो इसका मतलब 2024 का जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। जितने भी दोस्तों से बात कर रही हूँ, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ने नया घर ले लिया, किसी ने नई गाड़ी ले ली, तो आई थिंक ये अच्छे वाइब्स, ये अच्छा गुड न्यूज़ सुनना, ये बहुत अच्छा लग रहा है सबके लिए। आपकी 2024 को लेके क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, क्या प्लान्स हैं, इस साल क्या बदलाव लाने के? आई थिंक मैं प्लानिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली जो मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल प्लान्ड नहीं जाती हूँ। आई थिंक आजकल के ज़माने में कोई प्लान्ड नहीं जाता, बिकॉज हमें पता नहीं रहता कि कल क्या होने वाला है। मैं यही कहूँगी कि आज के लिए जीना सीखो, हंसी खुशी से जीना सीखो, और जितना आप दूसरों के लिए कर सकते हो वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो आई थिंक मैं आज के लिए जीती हूँ, इस मोमेंट के लिए जीती हूँ। इस वक्त फ़िलहाल मैं सुधा चंद्रन जी के घर पर आई हूँ और माता की चौकी अटेंड करने के लिए, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन रहे हो कि इतने सारे प्यारे गान हैं और गाना गा रहे हैं माता रानी के ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा है ये। थैंक यू। आई थिंक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर एक औरत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो औरत एक माँ है, एक बेटी, एक बहन है, एक बहू है, एक सास है, और ये सारे किरदार मैं निभा चुकी हूँ टीवी पर भी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत एक शक्ति है, वुमेन ऑफ सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं, हर एक औरत उसमें कुछ ना कुछ यूनिक और एक स्पेशल चीज़ ज़रूर होती है, एक हुनर होती है। आई थिंक दैट मेक्स अ वुमेन वेरी स्पेशल। जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऐसे कभी आपको मैसेजेस आए हैं पर्सनली? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई लोग पूछते मेरी बिंदी कहाँ से है, कई लोग पूछते मेरे लिपस्टिक शेड क्या है, कई लोग पूछते मेरे नोज रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोगों को लगता है कि मेरा हेयर स्टाइल, पूछते हैं कि ये विग है कि क्या है, तो ये बिल्कुल विग नहीं है, मेरे खुद के बाल है। और आई थिंक बट एवरी वुमेन हैज़ समथिंग वेरी स्पेशल एंड एक्सक्विजिट इन हर, और कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती है उस औरत में, उस किरदार में जो हम लोग निभाते हैं। और सजना सवरना तो औरतों में है ही। आई जस्ट लव टू ड्रेस अप एंड डेफिनेटली मेकअप की बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मेकअप बहुत कम लगाती हूँ। मेरे शोज़ में भी आपने देखे होंगे कि बहुत नेचुरल मेकअप लगाती हूँ, बट यही कहूँगी कि आई लाइक टू पोर्ट्रे, अगर मैं कैरेक्टर को दिखाना चाहती हूँ तो उसको मैं एक नेचुरल तरीके से उसे ग्रैंड वे में प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मेरे सारे फैंस वो बिल्कुल ऑसम है आपके ऑसम टीवी की तरह, और मैं यही कहूँगी कि ये साल आप एक ऐसी चीज़ करना जो आपने आज तक नहीं किया, जैसे कि यू सपोर्ट पेट्स या यू सपोर्ट द स्ट्रीट चिल्ड्रेन, आप कुछ लोगों को एजुकेट करें, कुछ लोगों को गाइडेंस दे, एनलाइटन दे, जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो ज़रूर कीजिएगा। दीज ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज कैरी ऑन एंड यू विल गो अ ग्रेट वे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। 2024 की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से हुई है, माता की चौकी में आई हैं आप, क्या वाइब्स हैं?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक होता है कि भी शुरुआत हुई और माता के दर्शन करने को मिले, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। प्लस मेरी जो सासू माँ है जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो मतलब वो मेरा ऑनर था कि मैं यहाँ आई, और माता रानी की बस कृपा बनी रहे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहे। डोरी में आप काम कर रहे हैं, डोरी को 50 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। शो भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी फैंस को शो को लेकर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे अपने प्यार और अपनी चीज़ें बनाए रखें, डोरी को और अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स सब ने बहुत मेहनत की है, सेट के पीछे, लोगों के पीछे, कास्टिंग के पीछे, धनंजय हों या यश जी हों, सब ने बहुत मेहनत की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको देखना चाहिए क्योंकि विमेन ओरिएंटेड है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये वैसे सीरियस में से नहीं है जिसमें सिर्फ ड्रामा हो, इसमें कुछ रियलिटी से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। और सब ने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं सारे लोग, तो प्लीज़ ज़रूर डोरी को वॉच करते रहिए आप लोग, बस मैं यही कहूँगी। 2024 आ चुका है, क्या मैनिफेस्टेशंस है इस बार 2024 आपके लिए, कैसा होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? देखो, किसी का पहले से तो हम प्री अज्यूम नहीं कर सकते, मैनिफेस्टेशन तो वैसे नहीं बताना चाहिए, बट मैं यही विश करूँगी, और मैं आई बिलीव इन कि मैं विश करूँ कि सब अच्छा हो, और जो हम लोग दौर से गुजरे हैं 2020 और वो कोविड के, उससे एटलीस्ट भगवान सबको कोई बीमारी ना दे, चीज़ें हो, ग्रो करें सारे लोग, फाइनेंशियली हो या किसी भी उसमें, तो बस मैं यही विश करूँगी कि सारे शोज़ बहुत अच्छे जाएं, सारे को लोग प्यार करें, और दैट्स इट। ओके, फैंस आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आई एम श्योर डोरी इतना अच्छा जा रहा है, मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और सुधा बड़ी बहू को थोड़ा देखने की कोशिश ज़रूर कीजिए कभी कभी आती हूँ ऊपर, ज़रूर देखिए, और यही कहूँगी कि आप लोग प्यार दीजिए, डोरी को दीजिए, जितने कास्ट हैं उनको दीजिए, और ऐसे ही हमारे TRPs हमेशा बढ़ते जाए। थैंक यू, माता रानी चाहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए मैं क्या कहूँ, हेड्स ऑफ उस लेडी को, कि जो इंसान मतलब कितने सालों से काम करे उनसे हमें सीखने को मिलता है, और क्या कमाल की अदाकार है, मतलब चाहे वो डांस में हो, एक्टिंग में हो, मतलब, और भाई नेचर भी वो इतनी प्यारी है ना, कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि वो बड़ी है, छोटी है, कुछ नहीं, उन्होंने हमेशा एज अ फ्रेंड हम लोग के साथ ट्रीट किया। और उनको ज़रूर देखिए, अभी लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा होगा, दो एपिसोड पहले, क्या एक्टिंग की उन्होंने, क्या एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है कि अभी उनके जैसा, उनके टक्कर का सीरियल में इस लेवल पे अभी कोई नहीं है, तो प्लीज़ उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको खूब सारा प्यार दीजिए, और डोरी को ज़रूर दीजिए। थैंक यू। जय बहुत सही कहा आपने, 2024 की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हुई है, माता रानी का नाम लेते हुए हुई है, और मैं पहली बार माता की चौकी पर आई हूँ, तो बहुत मज़ा आया मुझे आकर यहाँ पे। क्या कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही हैं आप, जैसे क्या पहली बार आई हैं? मतलब सब में कितना जोश है, कितनी पॉजिटिविटी फील होती है, जैसे ही मैं अंदर गई तो मतलब सब एकदम भजन गा रहे थे और एकदम मग्न हो गए थे, एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग। सी, अभी भी मैं देख रही हूँ यहाँ से कि ऐसे फ्लावर पेटल्स डाल रहे हैं एक दूसरे पे, सो इट्स सो मच फन टू बी हियर। नया साल है, क्या कुछ मैनिफेस्ट किया है, क्या कुछ आप चाहती हैं इस साल से? ऐसा कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है, बट मुझे यही लगता है कि सबकी हेल्थ सही रहनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं माता रानी से भी हमेशा यही मांगती हूँ कि सबको स्वस्थ रखो। ओ, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ आर फेवरेट ऑन सेट्स, सो और बहुत बहुत अच्छी है उनका नेचर, और मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, और इतनी सीनियर है, इतने शोज देखे हैं मैंने, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। यस, या आई नो, पूरी डोरी की टीम आई हुई है आज यहाँ पे, आई नो, मतलब हाँ, सडनली ऐसे सोचा नहीं था हमने कि हम सब इतना, यू नो, ये गैदरिंग्स शुरू हो गई हमारी, अभी तो 50 एपिसोड्स हुए हैं और हमने शूट शुरू किया, तो आई रियली होप कि हमारा शो ऐसे ही चलता रहे, और माता रानी के आशीर्वाद से हम बहुत आगे जाएं हम सब लाइफ में, और सब अच्छा करें। आप सबके बीच में बहुत सारी एकता भी दिख रही है, बिल्कुल
Yes, it's a very, very positive set and I really hope कि वो ऐसा ही रहे. Thank you. जय माता जी. यस, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि न्यू ईयर की पार्टीज हम सेलिब्रेट करते हैं. कहीं कहीं आपको भी पता है कि बहुत सारे जश्न मनाए जाते हैं, पर ये सुधा जी का एक कितना अच्छा थॉट है कि नए साल की शुरुआत हम माता की भक्ति से करते हैं. और जहाँ नए साल में माता के चरण अगर हमारे घर में, हमारे यहाँ पे अगर आते हैं, तो उससे अच्छा, अच्छी बात क्या होती है. अच्छा साल, पूरा साल अच्छा जाएगा. यही के माँ एक स्त्री शक्ति का स्वरूप है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैं थक जाती हूँ, मैं कितना करूँ. ये जो जो डायलॉग है ना, वो हर औरत के घर में, हर औरत बोलती है, हर घर में कहा जाता है कि मुझसे नहीं होता है, मैं कितना करूँ. पर एक माँ है और एक शक्ति है. माँ एक शक्ति का स्वरूप है और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ वुमन. सो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि स्त्री, आप औरतें अपने आप एक शक्ति का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है, हम सब कुछ कर सकते हैं. और 2024 के लिए क्या-क्या प्लान्स हैं आपके, किस तरह से इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, तो कितनी पॉजिटिव है? प्लान तो ऐसा है कि प्लान मैं कभी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बनाए हुए प्लान कभी नहीं होते. हाँ, मैं मानती हूँ और इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस से एक बात समझ ले रही कि ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. भगवान जो देता है वो सोच समझ कर देता है. तो अब मैं कोई चीज़ ये नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, उसका दुख नहीं लगाऊंगी, पर उससे ज़्यादा जो है उससे खुश रहूंगी और आई विल जस्ट गो विद द फ्लो बस. हाँ, मुझे अच्छी फिल्में करनी है, फिल्में अच्छी करनी है. संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म करनी है, पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म करनी है, अच्छी फिल्म करनी है, कोई अच्छी सी वेब सीरीज़ करनी है. और अनुपमा तो है ही, जो मेरे दिल के बहुत करीब है. बस ऐसे ही प्यार आप हमें देते रहिएगा. नंबर वन शो है, नंबर वन शो रहेगा अगर आप सबकी दुआ हमारे साथ हो. सुधा जी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है. वो मैं कहूँ कि वो घूमती फिरती एक इंस्पिरेशन की इंस्टीट्यूट है. इतना कुछ उन्होंने किया है. मैं जब छोटी थी तब से उनको काम करते हुए देखती हूँ और इतनी एनर्जी, वही डेडिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सस्टेन करना. और उनमें वो है एक बात के पहले दिन से लेके लास्ट तक मैंने उन्हें वही काम में देखा है. अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये. सच में मैं कह रही हूँ कि शी इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी वुमन. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई होप आपका ये जो साल है वो बहुत अच्छा रहे और बहुत सारे गुड न्यूज़ मिले. सेम टू यू. सितारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय. जैसे कि 2024 की इतनी अच्छी शुरुआत हो चुकी है, सुधा चंद्रन जी के घर में माता की चौकी है, किस तरह की वाइब्स आ रही है? वाइब्स मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्स है और स्पिरिचुअल वाइब मतलब वाइब्स है. और लाइक इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हम डोरी की कास्ट है और अभी अभी हमारा शो 50 एपिसोड कंप्लीट किया है 31st को और माता की चौकी है जी. तो हम इसे सब पॉजिटिव लेंगे. यू नो, समझ रहे हो? और वो है ये पॉजिटिव वाइब्स इसलिए क्योंकि माता रानी दे रही है हमको ये पॉजिटिव वाइब्स. तो लेट्स रॉक. देखो जो मैनिफेस्ट करते हैं वो बताते नहीं, ये टॉप सीक्रेट है. और डोरी के बाद तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा आगे का प्लानिंग.
बाकी देखो माता रानी की इच्छा है जी, हम अपना कर्म किए जा रहे हैं और वो फल देंगी जी, है ना, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए काइंड ऑफ हम अपने सच्चाई और ईमानदारी से लगे हुए हैं और माता रानी के चरणों में अर्पित है हमारा जी, और मैनिफेस्टेशन बताते नहीं है देखो ये तो हर कोई चाहता है कि पॉजिटिव उसकी लाइफ में आए, ब्लेसिंग्स की तरह आए, और जब उसे सक्सेस मिले तब वो दिमाग पे न चढ़े, सबसे बड़ी बात जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हम लोग डोरी के अंदर है, सुधा मैम भी है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है रियली। और हमारे जो डायरेक्टर है, जिसमें आप बोलते हो डायरेक्टर से कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, सुधा मैम से एक एक्सपीरियंस अलग लेवल पे है, एज एन ह्यूमन बीइंग भी और एज एन फीमेल एक्टर भी, तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। आप देखो बाकी हम ऑडियंस से कहेंगे कि प्लीज़ हमारा शो को देखती रही, मतलब देखते रहिए, लाइक कीजिए, और आपको चाहिए क्या वो बताते रहे। और सुधा जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी माता की चौकी किस तरह से आपको कैसी लग रही है, क्या कहना? देखिए माता की चौकी और लाइक आप इसमें ये नहीं कह सकते कि कम ज़्यादा अच्छा, ये हमेशा अच्छा होता है। और सुधा मैम के लिए स्पेशली वो बहुत अच्छी है, वो बहुत लविंग है, और ये सब मस्का नहीं है, मतलब लाइक आप एक अंदर एक्सपीरियंस होता है जिसको आप शब्दों में नहीं बता सकते। हाँ हम साथ काम करते तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखने को मिल जाती है जो वो भी नहीं बोलती, वो बस एक कर जाती है अपने एक्शंस में और वो बता देती है, और हम यही चाहते हैं हम छोटे बन के सीखते रहें। और ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे यूँ ही प्यार करते रहिए, डोरी को पहले प्यार कीजिए। हाँ और भैरवी तोमर जैसे मैं लग नहीं रही होगी राइट, तो भैरवी तोमर को अपना प्यार दीजिए और बस ऐसी हम सबको सराहते रहिए, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है हमें। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा माता रानी से इस साल आप क्या मांग रहे हो? हमारा शो बहुत अच्छा चले। आपका भी सेम विश है? यस, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, शो बहुत अच्छा जाए, उसकी टीआरपी बहुत अच्छी जाए। क्या बात है, शो की टीआरपी वैसे बहुत अच्छी जा रही है, फैंस को क्या कहना चाहोगे? आप सबका धन्यवाद हमारा शो इतना आगे बढ़ाने की, हमारा शो आ गया है टॉप 10 पर। यस, हमारा आ गया है सीरियल टॉप 10 पर, और हमारे सीरियल को और आगे बढ़ा के फर्स्ट नंबर पे लाइए प्लीज, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आई लव यू ऑल। सुधा चंद्रन जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई लव सुधा चंद्रन, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सुधा चंद्रन मैम इज द बेस्ट मैम इन द वर्ल्ड। यस, सुधा चंद्रन मैम इज वेरी गुड। ओके, जाने से पहले एक बार फिर हो जाए जय माता, जय माता, जय माता दी। फैंस को बोल दीजिए डोरी देखना मत भूलना, डोरी देखना मत भूलना, जियो सिनेमा पर और कलर्स पर 9 to 9:30। हाय, माय नेम इज हार्दिक मेहता और आप लोग देख रहे हो ऑसम टीवी। हाय, माय नेम इज अथर्व शर्मा और आप लोग देख रहे हो ऑसम टीवी। हाय, आई एम अनुराधा, यू आर वॉचिंग माय ऑसम टीवी।